सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये कटरा सीरीज का थर्ड व्लॉग है जो कि बहुत टाइम बाद आ रहा है क्योंकि थोड़ी फाइल्स डिलीट हो गई थी लेकिन रिकवर हो गई हैं। अब आप आराम से देखिए वाला पूरा व्लॉग जो जो हमने मस्ती करी फन किया वहाँ पे। अब है तैयारी पटनीटॉप जाने की, ऑल सेट। ट्रैवलर आ रहा अपना, मौसम तो साफ आ गया। नेक्स्ट डे बस तैयारी है जाने की। चलो भाई, इतने तो जगह ही नहीं है, इतने बैठ जाना भाई, यहाँ नहीं बैठ सकता मैं, सॉरी। सेकंड ठीक है, बैग पीछे रख दे, जल्दी जल्दी। ओ बैग पीछे रख दे, सोंदा नहीं। नहीं किसको बोल रहा है, कोई तो रख दे, उसके मैं रख दे, सीट पे रख दे, मैं रख रहा हूँ। जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे सीट मिल रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया वीडियो है, क्या तू बैठे, मेरे वो ही नहीं आ रहे, पैर ही नहीं आ रहे उसमें, नीरज नहीं बैठा रहे उसमें, आगे वो है ना, वो ही तक बैठा रहे, मैं नहीं वो ही तक चला पर वो ही चला दो ना, रेडी पट्टी टॉप थैला पीछे हो रहा है, ओए थैला उड़ाओ उधर, तैयारी खाने की तैयारी चैट कर लगा, मैं नीचे छड़ पाना है, मैं और इसके बाद हमारे ट्रैवलर में एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट आया जो कि आप देख सकते हैं अगली वीडियो में। इधर इधर सोनी भारी करदा एंड यहाँ पे हम एंट्री कर चुके थे पटनी टॉप और व्यू धीरे धीरे बहुत बढ़िया होता जा रहा था क्योंकि स्नो ही स्नो दिखने लग गई थी पहले जो कि बिल्कुल नहीं दिख रही थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी स्नो मिल जाएगी लेकिन आगे जाके जो आप अभी देखोगे व्यू वो आपको पता चल जाएगा, इतनी स्नो वहाँ पे थी ना और मज़ा ही आ गया था सही में, पूरा पैसे वसूल हो गए थे। ज़्यादा रश होने की वजह से हमें पीछे उतरना पड़ गया, ट्रैवलर को आगे जाने नहीं दिया और वहीं पे हमें उतर के पैदल आना पड़ा और ये व्यू एंजॉय करते हुए हम आ रहे थे। व्यू तो बहुत बढ़िया ही था और पैदल चलने में कोई नुकसान भी नहीं था इसलिए हम खुद ही घूमने लग गए और सीधा आगे पार्क तक चले गए धीरे धीरे चलते चलते। तो आगे जाके जो स्नो मिलनी थी, अभी तो यहाँ पर रोड्स क्लियर कर दिए थे सारे और आगे पूरा स्नो ही स्नो थी। ਬਰਫ ਲੈ ਜਾਣ ਕੇ ਲਈ
एंड ऐसी स्नो मिल जाए उसके बाद स्नो फाइट तो कंपलसरी है, तो अब मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको मारने वाला हूँ मैं बस। ओ ना, ओ तेरी, ओ ना तेरे बच गया। नहीं आओ मारो एक और। ओ बच्चे, ओ ना ना नीरज तो मत आ गया। ओ गाइस बहुत ज्यादा स्नो पटनी टॉप पे, बहुत तगड़ी स्नो है, एक बार स्नो देखो आप। मैं कह रहा हूँ मजा ही आ गया, बहुत ज्यादा स्नो हो गई है, गीला हो गया मैं। फिर जहाँ पे ऐसी स्नो मिल जाए वहाँ पे थोड़ी वॉक तो बनती है, थोड़ी स्लो मोशन वीडियो बना ली हमने एंड उसके बाद ये देखिए आप भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने डालनी तो ये वाली इंस्टाग्राम पे है सारी, यहाँ पे बस बना के रख ली है टाइम पास के लिए। ओके आइए, पहले उछाल दिया, बहुत मजा आया, फुल स्नो है, अब बस निकलने लगे। एंड स्नो में धक्के दे के गाड़ियों को आगे लेके जा रहे थे, बढ़िया बढ़िया गाड़ी भी रुक गई थी यहाँ पे। तो नवा महीना शुरू किया, ठीक है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट है छोले बनाने का भाई का, पहला ऐसे ही थाने छोले भटूरे खवाने ना, तो जिंदगी दी कदी मंगने आ, पहला टिक्की दी रेडी सी, हुन छोले वाली, हुन छोले भटूरे आ गए भाई, आंडियां भी कम छोले भटूरे वाला बाकी थे आ रहे हो, तो अही ना तो आ गए यार, फिर उधर घूम गया मैं, इधर ही आ गए। मैंने बोला ही था। मौका मिले कदी कदी। गाइस देखो स्नो कितनी पड़ गई है, मस्त एकदम माहौल, और पैसा वसूल हो गया यहाँ पे आना, मेरे को लगा नहीं था स्नो इतनी मिलेगी लेकिन मिल गई, और एक बार आप देख सकते हो पूरा पटनी टॉप। सो पटनी टॉप घूमने के बाद अब हम नीचे जा रहे थे वापस, जहाँ पे हमारा ट्रैवलर खड़ा था, जहाँ पे ड्राइवर भी वेट कर रहे थे, तो बस वहाँ की तरफ निकल गए थे। सो ये वापसी का रास्ता यहाँ से हम आए थे एंड उसके बाद नीचे जाके ट्रैवलर एंड उसके बाद बैक टू कटरा। एंड यहाँ पे हमने बीच में स्वीट शॉप पे रोक के थोड़ी रिफ्रेशमेंट एंड उसके बाद स्वीट वगैरह ले ली एंड उसके बाद वापसी के लिए चल पड़े।
वापस आके हमने किया डिनर कटरा में, एंड कोई भी स्नैपचैट छोड़ नहीं रहा था, सब एक दूसरे की स्नैपचैट बनाने लगे हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बना दूँ, तो आप एंजॉय कर लो स्नैपचैट। एंड डिनर के बाद हमने पिया गर्मा गर्म कुल्लड़ मिल्क, वो भी एकदम मलाई मार के। अभी तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, गर्मी है, लेकिन उसमें बहुत स्वाद लगा था। एंड ये कटरा की मार्केट पूरी रौनक थी मार्केट में, एंड प्लस मौसम जैसा था सर्दियों का, उस हिसाब से बहुत बढ़िया मज़े आ रहे थे घूमने के। एंड सामान ले लिया था हमने जो घर के लेके जाना था, एंड नेक्स्ट डे हमारी वापसी की ट्रेन भी थी। ये जा रहे हैं पूरी गैंग, ये जा रहा है मोहित, ले लिया सामान भाई, सामान ले लिया, सामान ले लिया। हां जी, आज मोहित हमारे साथ होएगा बीच में। नहीं मोहित भाई, एक और वो करके दिखाओ, सारी दुनिया जला देंगे, सारी दुनिया जला है। चलो भागो, चलो और हम निकलते हैं। एंड हमने सारे बैग्स नीचे ला के स्टोर में रख दिए थे, क्योंकि हमने निकलना था थोड़ी देर में। तो उसके बाद हम पहले ब्रेकफास्ट करने निकल गए, क्योंकि ट्रेन हमारी थोड़ी लेट की थी, तो इसलिए हम निकल गए एंड ब्रेकफास्ट करा। तो उसके बाद हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। आज तो पूरी धूप निकली है, ठंड ठीक ठीक है, और अभी तो खाना खाने जा रहे हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। ट्रेन है हमारी 3 बजे की, अभी फिलहाल कुछ नहीं। हाँ नीरे भाई दे, बहुत ज़्यादा खाली है, पहले की बैंड बज चुकी है, है ना, होना नहीं है, पहली बार आता देख रहे हैं पिछले 3 साल। बाकी आगे जा रहे सारे, एंड अब हम चल पड़े थे रेलवे स्टेशन की तरफ। उससे पहले हमने जाना था होटल, क्योंकि वहाँ से हमारा ट्रांसफर था, उन्होंने हमें छोड़ के आना था। तो अब हम होटल जा रहे थे वापस, जहाँ पे हमने सामान रखा वहाँ से सामान उठा के एंड सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ। एंड यहाँ पे हम होटल से सामान उठा के गाड़ी में बैठ के थे। धन्यवाद भैया। एंड हम रेलवे स्टेशन अब पहुंच गए थे, यहाँ बस अंदर एंट्री करके, हमारी ट्रेन बस अब से 1 घंटे में थी, तो हम पहुंच गए थे 1 घंटे पहले। तो थोड़ा वहाँ पे भी रेलवे स्टेशन पे भी थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाएंगे, आई होप हमने वो देख ली होगी, इंस्टाग्राम पे मैंने डाल दी थी सारी। तो ये वीडियो काफ़ी लेट डल रही है इसलिए। वापसी की तैयारी सबकी, वापसी होने जा रही है। जय माता दी, जय माता दी। हाँ जी बिंदुबाजी, जय माता दी सर, जय माता दी। वापसी की तैयारी हो गई है, इधर से इधर, इधर से इधर से जाएंगे हम नीचे।
ट्रेन लग गई है। ये ट्रेन चल पड़ी थी पूरे टाइम पे एंड इसमें से सारे लोग बाकी जाएंगे जलंधर, सिर्फ मैं ही जाऊंगा दिल्ली। तो अब हमारा रास्ता शुरू हो चुका है, सफर स्टार्ट हो चुका है। टाइम पे जला ली मैंने, पूरा टाइम पोस्टिंग हो रही है चाचा। बैकग्राउंड तो नहीं होंदी, देखो हौसला रख हुंदा चीज देख रही है। एंड इस बार हमने सोचा क्यों ना हम ट्रेन में डिलीवर करा के देखें पिज्ज़ा, जो डोमिनोज की सर्विस है कि ट्रेन में पिज्ज़ा डिलीवर हो जाता है, तो हमने वो ट्राई किया इस बार एंड सही में आ भी गया एंड पूरे एकदम टाइम पे वहाँ पे रेडी था बंदा। तो ये हमारे बंदे गए हुए हैं पिज्ज़ा लेने और अभी आप पिज्ज़ा लेके अंदर आएंगे एंड पूरा सामान स्टॉक देख लो आप खुद। हेलो फटो। तो गाइस इफ यू आर आल्सो ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन तो आप भी मंगा सकते हो ऐसे पिज्जा, एकदम हॉट एंड फ्रेश आया था, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना दे दिया। एंड बस यहाँ पे इनका स्टॉप आ गया था जलंधर स्टॉप आ गया था, यहाँ पे सारे उतर गए एंड उसके बाद मैंने बीच में कुछ ज़्यादा ब्लॉगिंग करी नहीं एंड सीधा मैं दिल्ली स्टेशन पे आके थोड़ी सी आ गए हैं दिल्ली। ट्रिप हो गया ओवर, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आगे मिलते हैं किसी उसमें।